हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द ट्यूटोरियल ऑफ इकोनॉमिक्स। सो हम लोग मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहे थे एंड डिफरेंशिएशन जो फर्स्ट पोर्शन हम लोग स्टडी कर रहे थे, तो डिफरेंशिएशन को हम लोगों ने स्टार्ट किया था। एंड डिफरेंशिएशन में बेसिकली हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में कुछ बेसिक रूल्स देखा कि डिफरेंशिएशन अगर किसी भी फंक्शन का किया जाए तो उसका वैल्यू जीरो निकल के आता है। डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम लोगों ने उसको समझा, फिर कुछ हम लोगों ने बेसिक रूल को देखा, उसके बाद फिर हम लोगों ने एडिटिव प्रॉपर्टी या फिर एडिशन प्रॉपर्टी को समझा कि जब कोई भी टर्म अगर एडिशन के रूप में किसी भी फंक्शन में दिया गया है और उस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं किसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, देन किस अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कैरी होता है उसको हम लोगों ने एक वीडियो में समझा, सब्ट्रैक्शन को समझा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन को समझा कि जब दो टर्म y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस टू अगर दिया रहे, मल्टीप्लीकेशन में दो टर्म अलग अलग दो अलग अलग टर्म है एंड बोथ आर इन द मल्टीप्लीकेशन, सो इन व्हाट ऑर्डर वी शुड कैरी। अगर हम लोगों को बोल दिया जाए कि आप लोग dy by dx पता करो, तो dy by dx हम लोग किस वे में निकालते थे हम लोगों ने उसको एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस किया। सो ओवरऑल अभी तक हम लोगों ने तीन वीडियो इस पे कैरी किया है एंड तीन इंडिविजुअल टॉपिक डिफरेंशिएशन के अंदर तीन बेसिक कंसेप्ट को डिस्कस किया उस तीन वीडियो के अंदर। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो होगा डिफरेंशिएशन के अंदर जब कोई भी दो टर्म डिवाइड में रहे तो किस अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले चलिए थोड़ा सा रिवाइज करते हैं एंड मैंने आपको बोला था कि आप मेहता मदनानी ले लो क्योंकि ये मैं जिधर रहता हूँ उधर यही पॉपुलर है और चलता है, एंड आपके पास जो भी बुक है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का आप उससे क्वेश्चन बनाओ। बेसिकली मेरा मोटिव ये है, मेहता मदनानी से मैं गाइड कर पाऊंगा, जैसे कि आज अगर मैं डिफरेंशिएशन जब डिवाइड प्रॉपर्टी आपको बता दूंगा तो आपका 6.1 का 1, 2, 3 मेहता मदनानी से आप बना सकते हो, तो इस तरीके से मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। तो आप मेहता मदनानी ले लो जितना जल्दी हो पाए या फिर कोई भी बुक लो, अगर कोई भी परेशानी आती है तो आप उस क्वेश्चन को किसी तरीके से अपलोड कीजिए ताकि मैं आपको बता पाऊं, ठीक है। एंड आई होप कि आपको थोड़ा सा डाउट, बिकॉज आई होप आपको ये शायद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना हो या लास्ट ईयर में पढ़ना हो, तो डिपेंड करता है। अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा है तो मेहनत करने की जरूरत है, तो मैं जिस अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूँ, जैसे डिक्टेट कर रहा हूँ, गाइड कर रहा हूँ, आप उस अकॉर्डिंग बनाते चलिए, शायद आपको थोड़ा सा इजी लगे। तो चलिए dy by dx अगर हम इस केस में मेरे को निकालने बोला जाता था तो हम लोग किस फॉर्म में निकालते थे, सबसे पहले इसको u मान लेते थे, इसको v मान लेते थे। हम लोग u को लिखते थे x प्लस वन इंटू वी का डिफरेंशिएशन सबसे पहले करते थे x के रिस्पेक्ट में, प्लस वी को फिर लिखते थे हम लोग x प्लस टू इंटू यू का डिफरेंशिएशन करते u का डिफरेंशिएशन करते थे x के रिस्पेक्ट में। u क्या है यहाँ पे, x प्लस वन, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते थे और आंसर लाते थे। जस्ट सेम पैटर्न में हम लोग डिविजिबल डिवाइड का भी डिफरेंशिएशन निकालना सीखेंगे कि जब दो टर्म डिवाइड के फॉर्म में दिया रहे तो किस अकॉर्डिंग निकालना है। चलिए इसी एग्जांपल को लेते हैं, एक सेकेंड। जब अगर यहां पे दिया रहे x प्लस वन बाय x प्लस टू, तो प्रोसेस सेम है, हमें क्या करना क्या है, ऊपर वाले को या फिर फर्स्ट टर्म को u मान लेना है, सेकेंड टर्म को v मान लेना है। उसके बाद देखिए फॉर्मेट, देखिए फॉर्मेट बोल बोल के आप लोग क्वेश्चन बनाए, उससे आपको इजी होगा एंड याद करने में थोड़ा सा हेल्पफुल होगा। तो नीचे में स्क्वायर कीजिए x प्लस टू, जो v टर्म आता है उसका स्क्वायरिंग करेंगे हम लोग, नीचे में जिसका स्क्वायर किए हैं पहले उसको यहाँ पे लिखिए। अभी x प्लस टू को हम लोगों ने लिखा, अब दूसरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना होगा, तो यहाँ पे x प्लस टू वी को हम लोगों ने लिखा है तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे x प्लस वन माइनस, बीच में साइन माइनस, अब यहाँ पे x प्लस वन का डिफरेंशिएशन हुआ था तो यहाँ पे अब मल्टीप्लीकेशन में सिर्फ x प्लस वन आएगा, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ dx ऑफ नीचे वाला। फिर से समझिए, सबसे पहले नीचे वाला बोलने का मतलब क्या, v का स्क्वायर करना है बाय v लिखिएगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस वी
सॉरी u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, अगर इसको हम लोग अगर फॉर्म में लिखे u बाई वी के फॉर्म में, कि अगर y u बाई वी के फॉर्म में दिया है और मेरे को डी बाई डी एक्स निकालना है, सो वट विल बी द पैटर्न ऑफ द डिफरेंसिएशन दैट वी विल कैरीड आउट. सो वी विल कैरीड आउट सबसे पहले v का स्क्वायर, फिर v इंटू डी बाई डी यू ऑफ डी एक्स माइनस u इंटू डी बाई dx of b. So this is the pattern in which you have to carry when there are two function or when there are two terms of a function in the form of division. सबसे पहले आपको naming कर लेना, नीचे वाले को v, ऊपर वाले को u. नीचे वाला का square, फिर बट्टा के ऊपर, नीचे वाला into d by dx of u minus u into d by dx of v. तो इस अकॉर्डिंग आपको करना है. आई होप आपको थोड़ा सा बेसिक समझ में आया होगा. इसको अगर हम लोग अगर बेसिक समझ में नहीं आया तो फिर हम लोग जैसे जैसे क्वेश्चन बनाते जाएंगे और बोल के बनाइएगा. ये जो बोल के बनाया जाता है वो बहुत ही हेल्पफुल साबित होता है एज एन स्टूडेंट. ये मैंने ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में, तो आप भी करोगे तो आप भी बोल के बनाओ, देखो फायदा मिलेगा, जरूर मिलेगा. ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व आउट करेंगे. तो ये क्या होगा, एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर, एक्स प्लस टू इन टू, फिर एडिशन वाला प्रॉपर्टी लगेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वन माइनस एक्स प्लस वन इन टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ टू, राइट. तो ये हो गया हमारा. अब फिर इसी को सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा, x प्लस टू इन टू, एक्स का x के रिस्पेक्ट में करते हैं तो 1 प्लस 1 का किसी भी कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएशन होता है तो वो जीरो आता है, माइनस x प्लस वन इन टू वन प्लस जीरो बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर. इसको और सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या लिखा जा सकता है, x प्लस टू इंटू वन जो कि x प्लस टू ही होगा माइनस x प्लस वन इंटू वन, तो x प्लस वन ही होगा बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर. और अगर इसको सिंप्लीफाई और किया जाए तो क्या हो जाना है, x x कैंसिल हो जाएगा, टू माइनस वन वन बाय x प्लस टू का होल स्क्वायर. मीन्स आपको बेसिक जो दिमाग में रखना है वो ये पैटर्न आपको दिमाग में रखना है. अगर आप इस पैटर्न को दिमाग में रख लोगे उसके बाद फिर बेसिक डिफरेंशिएशन का प्रिंसिपल है कि किस वे में डिफरेंशिएट किया जाए, एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता है, कांस्टेंट है तो उसको कैसे करना है, अगर किसी भी वेरिएबल का पावर है तो तब कैसे डिफरेंशिएशन, तो वो आपका बेसिक पे डिपेंड करता है. बट अभी आप डिवाइड रूल जब सीखने जा रहे हो तो सबसे मेन ये पैटर्न है, ऊपर वाले को यू लिखो, नीचे वाले को वी लिखो, वी का स्क्वायर बाय उसके ऊपर बी वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स. सो आई होप दिस पैटर्न, ये आपको हमेशा पैटर्न दिमाग में रखना है एंड इसी पैटर्न के बेसिस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन बनाएंगे. एंड मैंने आपको पहले ही बोला मेहता बनानी लीजिए अगर नहीं है तो, और एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 3 तक बनाइए, 1 से 3 तक वहां पे दिया होगा 1, 2, 3, तो तीनों को सॉल्व कीजिए. पुराना बुक भी आप ले सकते हो, मिल जाएगा क्वेश्चन, उसमें मेन क्वेश्चन बनाने से काम है, तो जल्दी ले लीजिए अपने फायदे के लिए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो है y इज इक्वल टू रूट अंडर एक्स, सॉरी y इज इक्वल टू, सबसे पहला वो हम लोगों ने एग्जाम्पल को एक सॉल्व किया बताने के लिए. चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं. यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताऊंगा, कुछ क्वेश्चन आपको सेम पैटर्न पे बनानी है. y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी बाय सी एक्स माइनस बी, राइट. तो इसको किस वे में डिफ्रेंसिएट किया जाए, बोल देगा डी वाई बाई डी एक्स निकालो. तो सबसे पहला काम क्या करना है, नेमिंग करना है u v, तो v का स्क्वायर पहले डिवाइड वाला बट्टा देना है, बट्टा देना है, बट्टा देने के बाद जो नीचे है या फिर अगर रफ भाषा में बोला जाए तो नीचे वाला का स्क्वायर सी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर, जिसका स्क्वायर किए हैं नीचे वाला को लिखेंगे सी एक्स माइनस बी इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स प्लस बी, बीच में एक माइनस साइन देना जब आप इसका कर लिए काम, तो
यहाँ पे नीचे वाला को लिखे थे तो मतलब अब समझ जाना है कि नीचे वाला का डिफरेंशिएशन होना, और जिसका डिफरेंशिएशन हुआ था उसको सिंपली लिख देना है ax प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला क्या है सी एक्स माइनस बी। चलिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सी एक्स माइनस बी इंटू फिर एडिशन वाला प्रॉपर्टी डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। राइट, इसका पूरा का जो नीचे में था वो तो सेम ही रहना सी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये क्या हो जाएगा सी एक्स माइनस बी रहना है इसको डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, सो ए इज कॉन्स्टेंट ही है, ए कॉन्स्टेंट है, फिर ए को बाहर निकालेंगे क्या बच जाएगा एक्स, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट विल बी इक्वल टू वन प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी दैट इज जीरो माइनस ए एक्स प्लस बी इंटू वन माइनस जीरो बिकॉज बी इज अ कॉन्स्टेंट हियर एंड वेन एवर वी डिफरेंशिएट एनी कॉन्स्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल द प्रोडक्ट इज जीरो, सो सी एक्स बाय सी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सी एक्स माइनस बी, ए जो यहां पे बचेगा उसको बाहर हम लोग लिखेंगे ए एक्स प्लस बी इंटू वन दैट विल बी सिंपली वन, सो दिस इज द प्रोडक्ट दैट वी विल गेट, सॉरी यहां पे सी बचेगा सी, तो सी बाय सी एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बस पैटर्न आपको यहाँ पे ये जो मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ बकवास है, ये एक पैटर्न है, पैटर्न में सेट करने का बस ये आपको सीखना है, उसके बाद आपका बेसिक पे डिपेंड करता है कि बेसिक कितना स्ट्रांग है, अगर बेसिक स्ट्रांग नहीं है फिर आप सोचोगे तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाली बात है, आप डायरेक्ट इस पे आओगे फिर बनाना स्टार्ट करोगे तो वो आपको प्रॉब्लम परेशानी में तो डालेगा, तो इसके लिए बेसिक क्लियर बहुत ही होना जरूरी है। यहाँ पे मेन कंसेप्ट जो था वो था सेट करने वाला, नीचे वाला का होल स्क्वायर बाय नीचे वाला इनटू, हम मैं नीचे जान के रिवर्स में बता रहा हूँ, ऊपर वाले से नहीं बता रहा हूँ ताकि आपको सेट करने में आसान हो, तो सेट करना सीखिए एंड बेसिक थोड़ा सा स्ट्रांग रखिए। ये सारा आप बोलोगे सर आप तो रफली में निकाल दिए, तो ये सारा मैंने तीन वीडियो लगभग 27 मिनट फिर 20 मिनट ऐसे करके बहुत टाइम दिया इस पे, तो अगर आपका फिर भी स्ट्रांग नहीं हो पा रहा देन सर्टेनली कहीं पे परेशानी है, आप मेरे को बताओ क्या परेशानी है, क्या मैं अच्छे से नहीं समझा पा रहा या आप नहीं समझ पा रहे हो, नहीं बताओगे तो फिर मैं तो चलता चलूंगा मेरे को कुछ पता नहीं चलेगा, तो आप मेहनत करो बिकॉज ये मेहनत अगर मैं कर रहा हूं तो आपको भी करना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, ये सब बोलना थोड़ा सा और है बट सीखना पड़ेगा आपको, जरूरी है, जो फायदे वाली चीज होगी मैं वही आपको बताऊंगा तो थोड़ा सा यकीन रखिएगा बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू रूट अंडर x बाय x प्लस वन, तो सबसे पहले हमें क्या करना है नेमिंग करना है u v, मैंने क्या बताया dy बाय dx क्या हो जाता है, तो जो नीचे वाला है डिवाइड के नीचे स्क्वायर कर देंगे x प्लस वन का होल स्क्वायर, यहां पे क्या बचेगा x प्लस वन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला माइनस ऊपर वाला लिखेंगे इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस वन, सो दिस इज द मेन कंसेप्ट, यही तक मेन कंसेप्ट था, उसके बाद अब बेसिक हम लोग करेंगे कि दिस इज इक्वल टू x प्लस वन इंटू x का पावर 1 बाई टू लिख सकते हैं, और मैंने हमेशा आपको बोला था याद कर लो आप x का पावर 1 बाई टू का होता है 1 बाई टू रूट अंडर जो भी रूट अंडर के अंदर है, यहाँ पे x है हो सकता था 2x हो तो 2x का पावर रूट अंडर का करना पड़े तो भी 1 बाई टू रूट अंडर 2x होगा, तो जो भी रूट अंडर के है तो 1 बाई टू इंटू दैट वन, ठीक है माइनस या फिर आप 1 बाई टू करके पावर करके 1 बाई टू बाहर हो गया तो x का पावर 1 बाई टू माइनस वन दैट विल बी इक्वल टू x का पावर माइनस वन बाई टू, तो रूट एक्स नीचे आ जाता है माइनस रूट अंडर x, ये क्या हो जाएगा फिर एडिशन वाला प्रॉपर्टी dx d बाई डी एक्स ऑफ x प्लस
d by dx of 1। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग तोड़ के सिंपल करके क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x इंटू 1 प्लस 0 बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको और सिंपल करेंगे तो क्या हो जाना है, x प्लस 1 बाय 2 रूट अंडर x माइनस रूट अंडर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसको करेंगे तो हम लोग एलसीएम लेके इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1 इंटू 2 रूट अंडर माइनस में है तो 2 रूट अंडर x इंटू रूट अंडर x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। तो इसको आप लोग सिंप्लीफाई कीजिए, ये 2x हो जाएगा तो x प्लस 1 माइनस 2x, तो क्या हो जाना है, 1 माइनस x बाय x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो बेसिक कंसेप्ट ये है, बेसिक सजाना सीखिए, उसके बाद थोड़ा सा मेहनत करिए बेसिक पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग मूव करते हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, y इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 2 बाय 2x माइनस 1 बाय x माइनस 3। ये इंटरेस्टिंग इस टर्म है बिकॉज यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, नीचे वाला मतलब ऊपर में दो टर्म नीचे में दो टर्म, तो यहाँ पे डिवाइड प्रॉपर्टी लगाएंगे, ऑब्वियसली है डिवाइड के फॉर्म में तो उसको लगाना है, बट यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग क्या लगाना है कि ऊपर में जो मल्टीप्लाई वाला टर्म दिया है, जितना भी टर्म दिया है उसको और सिंपल कर दो। सिंपल कर दो बोलने का मतलब क्या, सारे टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज द ऑपरेशन इज मल्टीप्लाई है, तो आप सारे टर्म को मल्टीप्लाई करिए, तो ये क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू, पहले वाई को सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे यही कंसेप्ट समझना है। ऊपर में देखिए दो या कि जितना भी टर्म दिया कोई मैटर नहीं है, सबसे मतलब क्या है कि ऊपर में जितना भी टर्म दिया सारे टर्म का मल्टीप्लीकेशन करना है, फिर प्रोडक्ट लिखना है, बाय नीचे में जितना टर्म दिया उनका, मीन्स वाई को सिंप्लीफाई करना है, जितना सिंपल हम कर सकते हैं उसको यू बाई वी के फॉर्म में लाना है, सिंपल यू बाई वी के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू एक्स माइनस टू बाय, इसको डिवाइड करेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 6x माइनस 1 इंटू एक्स तो माइनस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 3 तो प्लस 3, ठीक है, ये बेसिक हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं थोड़ा सा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये दोनों सेम टर्म है, एक्स प्लस 2x माइनस एक्स मतलब खाता उधारी में है, फिर इसी टाइम क्या हुआ प्लस 2x, एक लीड ले लिया तो प्लस 2 में माइनस 1 गया तो क्या बचेगा, प्लस x माइनस 2 बाय 2x स्क्वायर माइनस 6 उधारी में है, फिर माइनस 1 उधारी में आ गया तो टोटल उधारी कितना हो गया, माइनस 7x का प्लस 3। तो ये हम लोगों ने अभी सिंप्लीफाई किया है सिर्फ y को, अब dy बाय dx निकालेंगे, तो dy बाय dx क्या हो जाता है, dy बाय dx का फॉर्मूला नीचे वाला का स्क्वायर, तो नीचे वाला क्या है, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 का होल स्क्वायर, नीचे वाला को लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, बीच में माइनस देना है, अभी ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन किए तो अब ऊपर वाला को उतार देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, 2 एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस 3, राइट। तो चलिए इसको अब हम लोग सिंपल वे में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये क्या है, यहाँ पे सिर्फ बेसिक कंसेप्ट ऑफ क्या आ जाता है कि आपको एडिशन वाला रूल याद है या नहीं याद है, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे जाइए और देखिए सेकेंड वीडियो, ठीक है। तो इसको इसका स्क्वायर तो ऐसे ही रहना, ऊपर वाला का क्या होगा, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इंटू, अभी एडिशन वाला प्रॉपर्टी लगेगा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा, d बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये सारा स्टेप मैं आपके लिए लिख रहा हूं ताकि आप भी बनाओ तो सारे स्टेप को लिखो। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेवन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ थ्री। देखिए कितना मिस, सिर्फ बच्चा को हॉस पॉच करने के लिए है, कुछ नहीं, सिंपल करेंगे तो देखिएगा तुरंत अब एक लाइन में नेक्स्ट स्टेप में आंसर आ जाएगा। लेकिन सबसे जरूरी क्या है, आपको पेशेंस रख के इतना बनाना होगा जो कि थोड़ा सा मुश्किल है, तो उसको वर्क कीजिए, और कोई उपाय नहीं, मुश्किल को आसान तो तभी बनाया जा सकता है। माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री का होल स्क्वायर ऊपर में क्या हो जाएगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इंटू ये क्या हो जाएगा, टू एक्स प्लस वन माइनस जीरो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इंटू टू एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, टू को कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का टू एक्स माइनस सेवन प्लस जीरो, राइट, सेवन इज अ कॉन्स्टेंट एंड डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इज वन। तो अब इसको सिंप्लीफाई करिए एंड आंसर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस थ्री इंटू टू एक्स प्लस वन, जीरो कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, मैं इसी में आंसर ले आता हूं, आप वीडियो पीछे करके देख लेना। तो ये क्या हो जाएगा दिस इंटू दिस, तो इसको हम लोग लिखते हैं टू इंटू टू को फोर एक्स, तो ये आंसर आ गया हमारा फाइनल। सो देखिए पेशेंस चेक करता है मेन डिफरेंशिएशन आपका, अभी तो कुछ नहीं है, जब आप पार्शियल डेरिवेटिव अगर गलती से पार्ट थर्ड में ले लेंगे तो बहुत ही ज्यादा पेशेंस चेक होगा, आपको प्रूफ करने वाला देगा, 20 नंबर ऐसे आसानी में ऐसे फेंकने वालों में नहीं है ये सारा बोर्ड, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा मैथ में भी, देन ओनली कुछ हो सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं अब हम लोग, अभी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आने वाला, बिकॉज ये जो फॉर्मेट है जब हम लोग एप्लीकेशन पे मूव करेंगे तो इसी पैटर्न पे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेगी, वाई पी इज इक्वल टू दिस, एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, जो इसका एप्लीकेशन है वो इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करने के लिए होता है, तो वहां पे प्राइस और एक्स मीन्स कमोडिटी का डिमांड फंक्शन या फिर एक्स कमोडिटी का दिया रहेगा, तो क्वेश्चन दिया रहेगा पी इज इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू वन बाय एक्स स्क्वायर, मीन्स दिस इज अ रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डिमांड, कैसा रिलेशन है, तो इनवर्स में रिलेशन है, किस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, तो वन बाय दैट वन प्लस एक्स स्क्वायर, प्राइस में थोड़ा भी इंक्रीमेंट होगा तो इतना से डिमांड फॉल होगा। तो चलिए इसको कैसे निकाला जाए थोड़ा सा ये देखिए, फिर इसको यू मान लेना, इसको बी मान लेना या नीचे वाला लोकल लैंग्वेज में, तो ये क्या होगा dp by dx is equal to d by dx of 1 by 1 plus x square, इसको कैसे लिखना है, नीचे वाला का स्क्वायर मीन्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फिर नीचे वाला को यहां पे लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ऊपर वाला का डिफरेंशिएशन d by dx ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू जीरो माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स एडिशन प्रॉपर्टीज, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 1 वो तो जीरो हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर वो क्या हो जाएगा 2x, लिख देता हूं आपके लिए, तो सारा स्टेप को देख के बताइएगा, कोशिश कीजिएगा उसको उस वे में कॉपी में अपने से एक बार बनाने का, तो बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सिंपल करके क्या लिखेंगे माइनस 1 इंटू इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाना है 0 प्लस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं माइनस 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो दिमाग में बेसिक आपको ये पैटर्न बैठाना है हमेशा, बार बार मैं अभी तक 5 बार आपके लिए बोल चुका हूँ कि नीचे वाला का होल स्क्वायर फिर ऊपर में नीचे वाला एक को लिखिए इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 माइनस 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ऊपर वाला सॉरी नीचे वाला, तो यहाँ पे देख के अच्छे से करना है डिफ्रेंसिएशन,
एंड कुछ क्वेश्चन मैंने आपके लिए छोड़ा है, शायद आप बना पाओ, नहीं बना पाओगे तो बताइएगा जरूर। और फिर से बता रहा हूँ, मेहता बनानी का एक्सरसाइज 6.1 में 1, 2, 3 नंबर जो है टोटल आप बनाओ, एडिशन सिंपल पे बेस्ड है और शायद बन जाए। किसी में प्रॉब्लम रहे तो आप पूछना जरूर। वीडियो शायद कितना मिनट का हुआ होगा मेरे को भी नहीं पता, बट छोड़ते हैं आज यहीं पे। एंड कोई भी परेशानी हो तो प्लीज मेरे को बताइएगा, कोई भी सजेशन आप सजेस्ट करना चाहें तो वो भी आप दे सकते हो। एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।